डियर स्टूडेंट, आरसीई एजुकेशन हब बांसू के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन बात कर रहे थे, एथेनॉल जो होता है उसके अंतर्गत निम्न बिंदुओं का उल्लेख किया जाता है, जिसमें आपने कुछ बिंदुओं की बात कर ली थी, जैसे परिशुद्ध एल्कोहल है, परिशोधित एल्कोहल है, पावर एल्कोहल है। उसी में आगे टॉपिक को बढ़ाते हुए बात करते हैं आज, विकृतिकारक एल्कोहल, यानी कि परिशोधित एल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाने के लिए, परिशोधित एल्कोहल है आपका, उसको पीने के अयोग्य बनाने के लिए उसमें क्या करते हैं, मैथेनॉल, रंजक, प्रीडीन जैसे क्षार को मिला दिया जाए तो वो विकृतिकारक हो जाता है। तो इस प्रकार का जो एल्कोहल है वो क्या कहलाता है, विकृतिकारक एल्कोहल कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से क्या होता है, विकृतिकारक एल्कोहल, परिशोधित एल्कोहल, परिशोधित एल्कोहल तो पीने की संकेत करते समय अयोग्य तो बनाने के लिए परिशोधित एल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाने के लिए उसमें मैथेनॉल, मैथेनॉल रंजक व प्रीडीन क्षार को मिला दिया जाए, वे प्रीडीन क्षार को मिला दिया जाए तो प्राप्त एल्कोहल, एल्कोहल विकृतिकारक एल्कोहल कहलाता है। एल्कोहल कहलाता है। डियर स्टूडेंट, यानी कि परिशोधित एल्कोहल है उसको क्या करना है, पीने के अयोग्य बनाना है। उसमें क्या मिला दिया जाए, मैथेनॉल, रंजक एवं जो प्रीडीन क्षार है उसको मिला दिया जाए। इस प्रकार जो प्रयुक्त एल्कोहल है वो क्या कहलाएगा आपका, विकृतिकारक एल्कोहल। तो पेपर में पूछ लेता है कि परिशोधित एल्कोहल जो है उसको, परिशोधित एल्कोहल का मतलब यहाँ से क्या है, 95.5% एथेनॉल, 4.5% क्या है, वाटर मिला हुआ है, उसको बोलते हैं परिशोधित एल्कोहल। उस परिशोधित एल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाना है, उसमें क्या मिला दिया जाए, मैथेनॉल, रंजक एवं प्रीडीन क्षार को मिला दिया जाए। तो इस प्रकार जो प्रयुक्त एल्कोहल है वो क्या कहलाएगा, विकृतिकारक एल्कोहल कहलाता है। तो इसके बाद में बात करते हैं एथेनॉल के उपयोग। तो एथेनॉल का जो उपयोग होता है डियर स्टूडेंट, वो क्या होता है, पेंट, वार्निश आदि में विलायक के रूप में किया जाता है। पहला यूज किसमें हो जाएगा, पेंट, वार्निश आदि में विलायक के रूप में। दूसरा होता है कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। अब कार्बनिक यौगिकों के अंदर एस्टर है, ईथर है, क्लोरेल है इत्यादि का निर्माण करने के लिए किया जाता है। उत्तिरोधी एवं निर्जली कारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसके रूप में, उत्तिरोधी एवं निर्जली कारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, औषधियों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे टिंचर बनाने के रूप में, पेय पदार्थों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पारदर्शी साबुन है, रंग, इत्र, पॉलिश बनाने के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से एथेनॉल के उपयोग। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, टॉपिक रहेगा अपना एथेनॉल के, एथेनॉल के उपयोग, एथेनॉल के उपयोग। पहला क्या होता है, पेंट, वार्निश आदि में विलायक के रूप में, पेंट, वार्निश आदि में विलायक के रूप में, पेंट, वार्निश आदि में विलायक के रूप में। दूसरी बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण। थर्ड पॉइंट के अंदर बात करते हैं औषधियों के निर्माण में, औषधियों के निर्माण में, जैसे टिंचर बनाने के, टिंचर
बनाने के रूप में, जैसे टिंचर बनाने की। नंबर फोर्थ पे बात करते हैं पेय पदार्थों के रूप में, पदार्थों के पेय पदार्थों के। नेक्स्ट उत्तीरोधी एवं निर्जली कारक के रूप में, एवं निर्जली कारक के रूप में, उत्तीरोधी एवं निर्जली कारक के रूप में। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ से पारदर्शी साबुन है, पारदर्शी साबुन रंग पॉलिश इत्र आदि बनाने के रूप में। पारदर्शी साबुन है, रंग है, पॉलिश इत्र आदि बनाने के रूप में इसका काम में लिया जाता है। एथेनॉल की जो उपयोग है डियर स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि पेंट वार्निश आदि में विलायक के रूप में, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, औषधियों के निर्माण में जैसे टिंचर है बनाने के रूप में, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में जैसे ईथर है, एस्टर है, क्लोरीन है। कार्बनिक यौगिकों के रूप में किसको बनाते हैं, ईथर है, एस्टर है, क्लोरीन। पेय पदार्थों के रूप में उत्तीरोधी निर्जली कारक के रूप में पारदर्शी साबुन रंग पॉलिश इत्र बनाने के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बात करते हैं एथिलीन ग्लाइकोल के उपयोग। एथिलीन जो ग्लाइकोल होता है उसका फॉर्मूला होता है CH2OH, CH2OH। नेक्स्ट टॉपिक है एथिलीन ग्लाइकोल के उपयोग। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये तो क्या होता है इसका फॉर्मूला। तो एथिलीन ग्लाइकोल का जो उपयोग है किसके रूप में किया जाता है, टेरिलीन के रूप में। पहला जो उपयोग है वो किसमें किया जाता है, टेरिलीन के रूप में, टेरिलीन के रूप में। नंबर टू परिरक्षक के रूप में, परिरक्षक के रूप में। नंबर तीन जो है लुब्रिकेंट जो होते हैं स्नेहक के रूप में, स्नेहक यानी कहते हैं इसको लुब्रिकेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट ये है परिरक्षक के रूप में, स्नेहक के रूप में और टेरिलीन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बात करेंगे इसमें ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, बोरोग्लिसरीन है, ग्लिसरोफॉस्फोरिक अम्ल आदि औषधियों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। बोरोग्लिसरीन ग्लिसरोफॉस्फोरिक औषधियों के निर्माण में किया जाता है और आर्द्रता ग्राही गुण होने के कारण इसका जो उपयोग है वो शेविंग सोप टूथपेस्ट क्रीम लिपस्टिक जैसे जो सौंदर्य प्रसाधन है उसके रूप में इसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक तथा कृत्रिम रेशों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें स्नेहक के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है। कार रेडिएटर जो होते हैं उसमें प्रतिहिम के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है। किस किस के रूप में, कार रेडिएटर में प्रतिहिम के रूप में, स्नेहक के रूप में, प्लास्टिक तथा कृत्रिम रेशों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। कौन कौन से होते हैं यहाँ पे ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन के उपयोग, तो डियर स्टूडेंट यहाँ से ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन के जो उपयोग होते हैं वो क्या होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लिसरीन ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन की उपयोग, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन के उपयोग किस किस के रूप में किया जाता है। पहला जो यूज है बोरोग्लिसरीन, बोरोग्लिसरीन ग्लिसरोफॉस्फोरिक अम्ल, ग्लिसरोफॉस्फोरिक
अमल आदि औषधियों के निर्माण में, आदि औषधियों के निर्माण में, आदि औषधियों के निर्माण में। नंबर टू पे बात करते हैं, इसमें आर्द्रता ग्रही गुण होने के कारण, इसमें आर्द्रता ग्रही गुण होने के कारण, इसमें आर्द्रता ग्रही गुण होने के कारण इसका उपयोग कारण इसका उपयोग शेविंग सोप, टूथपेस्ट, लिपस्टिक, क्रीम, सौंदर्य प्रसाधनों के रूप में किया जाता है। सौंदर्य प्रसाधनों के रूप में किया जाता है। इसमें आर्द्रता ग्राही गुण होने के कारण इसका उपयोग है वो शेविंग सोप, टूथपेस्ट, लिपस्टिक, क्रीम आदि के रूप में किया जाता है। कृत्रिम रेशे व टायरिलिन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक कृत्रिम रेशों के निर्माण में। नेक्स्ट है प्लास्टिक व कृत्रिम रेशों के निर्माण में, नेक्स्ट स्नेहक के रूप में, स्नेहक के रूप में। नेक्स्ट है कार रेडिएटर में, कार रेडिएटरों में प्रति हिम के रूप में इसको काम में लिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये हैं आपके एथिलीन ग्लाइकोल के ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरीन के उपयोग किसमें किए जाते हैं, बोरोग्लिसरीन, ग्लिसरॉल, फॉस्फोरिक अम्ल आदि औषधियों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें आर्द्रता ग्राही गुण होने के कारण इसका जो उपयोग है वो किसमें किया जाता है, शेविंग सोप, टूथपेस्ट है, लिपस्टिक है, क्रीम, सौंदर्य प्रसाधनों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक व कृत्रिम रेशम के निर्माण में इसका उपयोग किया, प्लास्टिक में कृत्रिम जो रेशे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, उसके निर्माण में इसको काम में लिया जाता है। स्नेहक के रूप में इसको काम में लिया जाता है। कार की जो रेडिएटर है उसमें प्रतिम के रूप में इसको काम में लिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक्स।